नमस्कार। आज की हमारी रेसिपी है सिंगापुरी चाउमीन, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है और ये एक चाइनीज डिश है। आइए देखते हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। ये नूडल्स हैं जिनको हमने उबाल के रखा हुआ है। एक प्याज, कैबिज, आधा शिमला मिर्च, कैप्सिकम, एक गाजर, एक रेड बेल पेपर, 100 ग्राम पनीर, 2 टी स्पून विनेगर, 1 टी स्पून सोया सॉस, 1 टी स्पून अदरक बारीक कटा हुआ, काला और सफेद नमक लिया हुआ है हमने, और टेस्ट के अनुसार डालें 1/4 स्पून काली मिर्च, 1 हरी मिर्च, और इसके अंदर हम थोड़ा तेल डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। सबसे पहले इसको हम थोड़ा भूनेंगे। अब हम प्याज के अंदर पनीर भी डाल देते हैं और ये पनीर भी थोड़ा हमारा फ्राई हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें गाजर डाल देते हैं। गाजर को थोड़ी देर और करके चलाएंगे, फिर इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और फिर इसको थोड़ी देर चलाएंगे। शिमला मिर्च डाल देते हैं, इसके बाद हम ये रेड शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, फिर से इसको चलाएंगे। अब हम इसके अंदर कैबेज भी डाल देते हैं और फिर से इसको हम चलाएंगे, इससे कि थोड़ी हमारी सब्जियां पक जाएंगी। और इसको हम 1 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि हमारी सब्जियां थोड़ी पक जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल देंगे और 1 मिनट जो हमने काटा हुआ है उसे भी डाल देते हैं। इसको ऐसे चलाएंगे, इस तरह से हमारी ये सारी सब्जियां बन जाएंगी। अब हम इसमें हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, अब इसमें हम नूडल्स डालेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा विनेगर डालेंगे और थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देते हैं। हम इसमें काला नमक डाल रहे हैं और थोड़ा सा सफेद नमक भी डाल रहे हैं। अंदर थोड़ी काली मिर्च भी डाल देते हैं और इसको हम अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनते रहेंगे। अभी ये चाउमीन तो हम ऐसे करके 2 करछियों से ऐसे करके मिला सकते हैं ताकि हमारी चाउमीन टूटे नहीं और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। और हमने इनको मिक्स कर लिया है और हम ऐसे भी इसको ऐसे करके चला कर सकते हैं। इस तरह से हमारी चाउमीन पूरी मिक्स हो गई है और बन चुकी हैं। इनको हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बनकर तैयार है, अब हम इसको 1 प्लेट में सर्व करेंगे। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनको 1 प्लेट में सर्व करेंगे। प्लेट के अंदर डाल देते हैं और इस तरह से हमारी सिंगापुरी चाउमीन बनकर तैयार है। सिंगापुरी चाउमीन बनकर तैयार है, आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए।